आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक स्पीसी कॉन्सेप्ट के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात किया था दैट इज इज व्हाट बायोलॉजिकल आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे फाइलोजेनेटिक कन्सेप्ट ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी थी आपको कि टोटल जो स्पीसीस कंसेप्ट देखे गए थे वो मोर देन ट्वेंटी थे ओके okay? या अप्रॉक्स आप कह सकते हो ट्वेंटी स्पीसीस कॉन्सेप्ट देखे गए थे जिसमें कि स्पीसीस को अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया गया था लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल कंसेप्ट देख लिया था वीडियो नहीं देखा है तो आप जो हैं दैट इज चैनल पे विजिट करके बायोलॉजिकल कंसेप्ट की वीडियो देख सकते हैं आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सो लेट्स बिगिन तो सबसे पहले बात आती है फाइलोजेनेटिक जब भी फाइलोजेनेटिक वर्ड हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं फाइलोजेनी से रिलेटेड है और फाइलोजेनी का मतलब भी हो गया यानी कहीं पे शायद कॉमन एंड सिस्टर ठीक है टाइम ऑफ इवोल्यूशन ये सब चीजें चली आती है जब हम फाइलोजेनी का नाम लेते हैं क्योंकि फाइलोजेनी के स्टडी से ही हमें ये पता चलता है कि कौन किसके कितना क्लोज था कौन किससे इवॉल्व हुआ इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आया दैट इज अनदर पॉपुलर डेफिनेशन फॉर दिस इज द फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट विच एडवोकेट्स दैट मेंबर ऑफ अ सिंगल स्पीसीस आर आइडेंटिफाइड बाई अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर तो ये बोला गया कि एक सिंगल स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास अपना ही एक यूनिक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है यानी अगर एक स्पीशीज का पूरा पॉपुलेशन रह रहा है तो उनके पास अपना एक यूनिक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा इन्होंने दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या फिर इंटरब्रीडिंग इन सब पे इन सब पे फोकस नहीं किया जो कि हमने मेनली बायोलॉजिकल कंसेप्ट में देखा था इनका इससे रिलेशन नहीं था ये मेनली बताना चाहते थे कि स्पीशीज़ को हम फाइलोजेनेटिक बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन किससे इवॉल्व हुआ किस टाइप के कैरेक्टर को शेयर कर रहा है तो इनका ये कहना था कि एक सिंगल स्पीसीस का जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन होता है वो यूनिक कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कि किसी और ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा अगर वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो दिस डेफिनेशन इन कॉर्पोरेट द्लासिकल टेक्सोनॉमिक व्यू ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन देअ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड मोर रिसेंटली मॉलिकुलर फीचर सच एस द डीएनए सीक्वेंसेस तो समहाउ ये जो पर्टिकुलर फायोजेनेटिक स्पीसी कंसेप्ट था वो मेनली फोकस कर रहा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में यानी अगर स्पीसीस लाइक like

जिनको हम देख रहे हैं वो दैट इज सेम से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं ग्रुप हुज मेंबर्स आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर एंड हु ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिफाइनिंग और डिराइव्ड और ट्रेट दिस कंसेप्ट डिफाइन अ एज अ ग्रुप हैविंग अ शेयर्ड और यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो अगर कुछ मेंबर मान लीजिए कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं तो अगर ये कॉमन सिस्टर से इवॉल्व हुए हैं तो दैट इज वेरी ऑब्वियस दोनों के पास जो है सेम टाइप के मॉर्फोलॉजी होगी एज वेल एज कुछ ट्रेट या कैरेक्टर होंगे अब वो जो कैरेक्टर है उन्होंने कॉमन सिस्टर से भी लिया हो सकता है या फिर कॉमन सिस्टर डायरेक्टली शेयर भी किया हुआ हो सकता है तो बोला गया कि इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर वो ऑर्गेनिज्म कॉमन सिस्टर से इवॉल्व हुआ है तो हम उनको इसी बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि दे आर फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड

नॉर्मली अगर मैं एक यहाँ पे क्लैडोग्राम को ड्रॉ करती हूँ सपोज कीजिए ये एक ए है ये बी है ठीक है इससे निकलने वाले यहाँ पे दैट इज सी एंड एंड डी ये हो गया ई एंड एफ तो यहाँ पे ए एंड बी इज एक्टिंग एज सम हाउ अ कॉमन सिस्टर तो अगर मैं इसको दैट इज शेड आउट करूं तो ये एक ग्रुप जो है क्या कहलाएगा दैट इज मोनोफाइलेटिक ठीक है ये 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 एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाएगा और हम ये, is, हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो कैरेक्टर ए के पास है वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं सी और डी ने भी शेयर किया होगा ठीक है तो वही बोला है स्पीशीज़ इज अ स्मॉलेस्ट मोनोफाइलेटिक ग्रुप और हम इस पूरे के पूरे मोनोफाइलेटिक ग्रुप को एक स्पीसीस कंसीडर कर सकते हैं ये बोला गया अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक स्पीस कंसेप्ट सी और डी को देखा जाए तो वो कितने क्लोजली रिलेटेड है जितना ज्यादा वो क्लोजली रिलेटेड होंगे जितना ज्यादा वो सेम टाइप के मोर्फोलॉजी शो करेंगे जितना ज्यादा उनके डी एन ए सिक्वेंसेज में दैट इज बहुत ज्यादा रेगुलेशन या फिर चेंजेस ना देखे जाए कम चेंजेस देखे तो कहीं ना कहीं फाइलोजेस्टर डीएनए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पे कंसेप्ट चला आया तो इतना कुछ डिफाइन करने के बावजूद फाइलोजेनेटिक स्पीसी का जो कंसेप्ट है ये भी कुछ डिसएडवांटेज को फेस करता है वो डिसएडवांटेज क्या है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से लाइक like, इसमें एक ये कमी देखी गई कि एक्चुअल में कितना डिफरेंस जरूरी है कि हम किसी पॉपुलेशन को लाइक like, एक पॉपुलेशन के लाइक like, अगर हम कुछ पॉपुलेशन ले तो उनके बीच में कितना डिफरेंस जरूरी है ताकि हम उसे एक स्पीसीस कह सके कि यस ये एक अलग स्पीसीस है ये एक अलग स्पीसीस मतलब कि डिफरेंस की लिमिट नहीं बताएगी कि कितना डिफरेंस चाहिए ताकि हम अलग अलग स्पीसीस कह सके दो पॉपुलेशन को एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहे तो जो कॉटन माउस होते हैं जो कि फिलहाल में सिक्स फॉर्मल सब स्पीसीस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो उसको हम एक स्पीसीस की कैटेगरी में रखें या अलग अलग स्पीसीस की कैटेगरी में रखें उसका भी कंफ्यूजन चलता है जबकि वो सब ही है मतलब स्पीसीस का ही एक आप कह सकते एक टाइप के ही species जो कि मेन स्पीसीस से ही ओरिजिनेट हुए हैं तो सम्भव ये एक लिमिटेशन है जिसको कि आप कह सकते हो ओवरकम नहीं कर पाया फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट स्पीसीस कंसेप्ट जिसमें कि वो मेनली ये बताने में फेल हो गया कि एक्चुअल में कितना डिफरेंसेस जरूरी होता है ताकि हम पॉपुलेशन को दो पॉपुलेशन को अलग अलग स्पीशीज कहें या फिर उनको एक ही स्पीशीज के अंडर में रखें तो ये कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग दी फायलोजेंटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन आया है सी एस एन एड में हम इसे भी देख लेते हैं क्वेश्चन में बोल के रखा है यहाँ पे विच स्पीशीज कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेस दी मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीशीज ऐसा कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट है जो कि दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर बेसिस पे स्पीसी को डिस्टिंग्विश करने में काम करता है तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी तो वेरी ऑब्वियस इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा बायोलॉजिकल मैं पढ़ा चुकी हूँ जो कि मेनली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के साथ डील करता है इकोलॉजिकल सम हाउ इकोलॉजी या इकोसिस्टम से ही रिलेटेड होगा ऑल हम धीरे धीरे करके लाइक अगले वीडियो में इवोल्यूशनरी एंड बायोलॉजिकल भी देखेंगे लेकिन एक होता है ना कि किसी भी वर्ड को आप सुनो तो दिमाग में थोड़ा तो कंसेप्ट आता है कि इवोल्यूशनरी बोला है तो इवोल्यूशन से कुछ रिलेटेड होगा बायोलॉजिकल यानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से होगा इकोलॉजिकल यानी कुछ इको से होगा लास्ट बच गया हमारे पास फाइलोजेनेटिक तो फाइलोजेनेटिक का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे काम करता है एंड डीएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पे काम करता है तो डीएनए सिक्वेंसेस को इन्होंने यहाँ पे मॉलिक्युलर कैरेक्टर के बेसिस पे रखा है तो यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था सी दिस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड मॉलिकुलर फीचर सच एज दी डीएनए सिक्वेंसेस इन दो वर्ड का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है सो वेरी श्योर आवर आंसर इज फोर्थ ठीक है तो इसी तरीके से करके मतलब एक एक डेफिनेशन को उठा के जो है आपका लाइक like, सीए शायर क्वेश्चन दे सकता है और ऐसे क्वेश्चन मेनली आपको पार्ट बी में पूछे जाते हैं तो एक बार इससे आ चुका है वेरी ऑब्वियस अगली बार हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं है। तो जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ एटलीस्ट उसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि इन डेप्थ वो क्या कहना चाह रहा है ओके okay? अगले वीडियो में मिलेंगे विथ अगेन लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट आई थिंक हम रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पार्शला थैंक यू सो मच एवरी